न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेनोपॉज। रजोनिवृत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं बदली नहीं जा सकती, लेकिन कुछ परिस्थितियां अच्छे पोषण से रोकी जा सकती है। गेट इनफ कैल्शियम। जरूरी कैल्शियम पाने के लिए आहार में दूध के उत्पाद और कैल्शियम से भरपूर पदार्थ शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश विद बोन्स, ब्रोकली हैव कैल्शियम इन देम। विमेन एजिंग 50 और प्लस शुड इनटेक 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम एवरी डे। इंक्रीज आयरन इनटेक। मुर्गी, लाल मांस, मछली और अंडे लोह से भरपूर पदार्थ है। शाकाहारी लोग हरी पत्ती वाली सब्जियां, नट्स तथा लोह से भरपूर धान्य के पदार्थ खा सकते हैं। ईटिंग 3 सर्विंग्स ऑफ दीज फूड्स विल मेक श्योर दैट यू गेट इनफ आयरन डेली। After menopause, women should consume 8 milligrams of iron every day. Fiber is important too. Sabut anaj ki bread, cereals, chawal aur sabziyan aise fiber se bharpoor padarthon ka sevan kare. Adhiktam mahilaon ko ek din mein 20 gram jitna fiber zaruri hota hai. Eat fruits and vegetables. अगर आप चाहे तो सब्जियों का जूस बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन दिन भर में 2 बार फल और सब्जियां खाने का ध्यान रखें। ड्रिंक इनफ वाटर। आवश्यक पानी पीने से आप हाइड्रेट रह सकते हैं। हर इंसान के लिए पानी की जरूरत अलग होती है और मौसम और दिन भर की गतिविधियों के साथ बदलती है। आमतौर पर बालिग इंसान को 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है। Keep an eye on your weight. एक स्वस्थ वजन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे स्वस्थ तरीके से घटाएं। Cut down on fat rich foods and quantity of portions, but don't skip regular meal. Avoid foods that are rich in fat. आपके दिन भर के कैलोरीज में सिर्फ 25-30% या उससे कम चर्बी युक्त पदार्थ होने चाहिए। Reduce the intake of foods with saturated fat. Saturated fat increases the cholesterol and risk of heart diseases. Also limit the intake of trans fats. Check the labels. आप जो खाद्य पदार्थ खरीदने वाले हैं उसके पैकेज लेबल के ऊपर की जानकारी पढ़ें। दिस वे यू कैन मेक हेल्दी चॉइसेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। कंट्रोल शुगर एंड सॉल्ट। आहार में अगर सोडियम का प्रमाण ज्यादा हो तो उच्च रक्तचाप का जोखिम होता है। शर्करा युक्त पदार्थ ज्यादा खाने से शरीर में चर्बी का संचयन होता है और उससे वजन बढ़ता है। जरूरत होने पर किसी आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें।